Asma Beauty Parlor and Institute. First time in Mumbra Multi-Speciality Beauty Parlor and Institute. Mumbra का सबसे बड़ा beauty parlor जहां आपको professional और certified beautician द्वारा hair and skin treatment provide की जाएगी. Asma Beauty Parlor and Institute. Special offer buy one get one service free. Rush. Admission started for beautician and makeup artist courses at Asma Beauty Parlor and Institute, जो कि professional certified training institute है. Mehndi classes are also available. महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर काफी तेजी से बढ़ते हुए जा रही है और कोरोना की चेन तोड़ने के लिए राज्य सरकार नए नए नियम लागू कर रही है. नई गाइडलाइन जो महाराष्ट्र में जारी की गई है वो 22 अप्रैल की रात 8 बजे से लेकर 1 मई तक सुबह 7 बजे तक लागू रहेगी. आपको बता दें कि लोकल ट्रेन और मोनो ट्रेन में भी आम जनता को चलने की इजाज़त नहीं दी गई है. सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए लोग मेट्रो और मोनो रेल और लोकल ट्रेन में ही सफ़र कर सकती है. आज सुबह की हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो मुंब्रा रेलवे स्टेशन की है. सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए लोगों को लोकल ट्रेन में सफ़र करने की इजाज़त दी गई. जो आम पब्लिक है वो रेलवे स्टेशन के बाहर ही काफ़ी भीड़ देखने को मिली है. आपको बता दें कि इसके अलावा प्राइवेट बसों को एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर पहले लोकल DMA यानी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को सूचना देनी होगी. साथ ही निजी बस वालों की जिम्मेदारी होगी कि दूसरे जिले में जाने वालों के हाथ में 14 दिन का क्वारंटाइन स्टैम्प मारा जाए. हालांकि लोकल DMA को यह अधिकार दिया गया है कि क्वारंटाइन का स्टैम्प लगाने का फैसला हालात के हिसाब से लिया जाए. साथ ही शादी समारोह 2 घंटे में निपटानी होगी और इसमें केवल 25 लोग ही शामिल हो सकेंगे. इस नियम को तोड़ने पर 50,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है. साथ ही बहुत जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग या बेहद जरूरी काम जैसे किसी के बीमार होना या मौत होने पर ही कहीं जाने की परमिशन होगी. बेवजह कहीं जाते हुए पाए जाने पर 10,000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा. वही मेट्रो लोकल ट्रेन मोनोरेल आदि में सिर्फ वही लोग चल सकेंगे जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए. इनकी टिकट पास इत्यादि आई कार्ड चेक करके इसके बाद ही इन्हें लोकल ट्रेन मोनो ट्रेन और मेट्रो में जाने की इजाज़त दी जाएगी. साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है और राज्य सरकार इस पर काफ़ी चिंताजनक है और एक से बढ़कर एक नए नियम लागू किए जा रहे हैं और ये नियम बेहद ही सख्त होते भी जा रहे हैं. साथ ही पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 67,468 नए मामले सामने आए हैं.